क्लैरिक का क्या मतलब होता है ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं क्लैरिक का मतलब होता है पुरोहित पादरी फादर या धार्मिक नेता यानी कि जो चर्च में पादरी होता है उसे भी फादर कहा जाता है यहाँ पर फादर का मतलब पिता नहीं है फादर का मतलब पादरी ही होता है जो पादरी या पुरोहित या कोई धार्मिक नेता होता है तो उसे ही क्लरिक भी कहा जाता है यानी कि क्लरिक इज़ अ मेंबर ऑफ द क्लर्गी अ रिलीजियस लीडर और सम वन हु होल्ड्स अपोजिशन इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी भी धार्मिक संस्था में एक पद को धारण करने वाला जो पादरी होता है या पुरोहित होता है या कोई धार्मिक नेता होता है तो उसे क्लरिक कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहें कि पादरी ने रविवार की सेवा के दौरान प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व किया तो आप कह सकते हैं द क्लरिक लेड द कांग्रेगेशन इन प्रेयर ड्यूरिंग द संडे सर्विस या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने व्यक्तिगत संकट से निपटने के तरीके के बारे में पादरी से सलाह मांगी तो आप कह सकते हैं शी सोट एडवाइज फ्रॉम द क्लरिक ऑन हाउ टू हैंडल अ पर्सनल क्राइसिस या अगर आप ये कहें कि युवक ने धार्मिक नेता बनने और अपना जीवन अपने विश्वास के लिए समर्पित करने का फैसला किया तो आप कह सकते हैं द यंग मैन डिसाइडेड टू बिकम अ क्लरिक एंड डेडिकेट हिज लाइफ टू हिज फेथ अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करें